पंज प्यारियां नूं क्यों बनाया और उहदे नाल की सानू संदेश दिता। सानू संदेश दिता चार वर्णों को एक किया, चार वर्णों को एक किया, क्यों किया? ताकि उस मानव ह्यूमन रेस ऐसी जागृत होवे जिदे विच चारों वर्णा दी विशेषतावां होण, उहदे विच संत प्रवृत्ति भी होवे, उहदे विच त्यागमयी शौर्य भी होवे, उहदे विच कर्मठरा भी होवे और उहदे विच सेवा भाव भी होवे। चार वर्णों को एक किया। अज असी डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिन्हां ने संविधान का किया सानू मार्गदर्शन और जात पात नूं हटाउण दी गल असी करदे आ, गुरु जी ने तो इन्ने वर्षा अनेक अनेक वर्षा सानू और जात पात तो सानू परे करके सारी जातां नूं एक करके चहों वर्गों को चहों वर्णों को एक किया, चहों वर्णों को एक किया और वो प्रेरणा दित्ती। नाल ही नाल पूरे देश नूं एकता दे सूत्र विच बंधण दा जिहड़ा काम कीता, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दा संदेश जिहड़ा साडी भारतीय जनता पार्टी साडे संघ दा संदेश है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक दा संघ दा संदेश की है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और उसी ते आधारशिला ते उसी ग्रासरूट आइडियोलॉजी ते चलदे होया, संघ दी आइडियोलॉजी ते चलदे होया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आइडियोलॉजी चलते हुए भारतीय जनता पार्टी जिहड़ा है देश निर्माण का काम कर रही है और राष्ट्रीय सिख संघ एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मूवमेंट है, एक क्रांतिकारी मूवमेंट है। असी गुरुआ का ही डीएनए लैके असी अज उस मूवमेंट नु चला रहे हाँ, उस वातावरण नु क्रिएट कर रहे हाँ, समाजिक समरसता का वातावरण, सांझीवालता का वातावरण, देश विच गुरुआं दे बलिदान और गुरबाणी दी अध्यात्मिकता प्रचार। गुरुद्वारियां विच जो असी काम करदे हां ओह ते सराहना योग ही है, सराहनीय ही है, लेकिन देश दी घर घर विच गुरुआं दे बलिदान दी जानकारी, देश दी एकता दा संदेश, इह बहुत महत्वपूर्ण है। और साच कहूं सुन ले सुबह जिन प्रेम किए तिन ही प्रभु पायो, प्यार दा संदेश, वासुधैव कुटुंबम का संदेश, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली का संदेश, कंपैशन का संदेश, इक्वलिटी का संदेश, सेवा का संदेश, ये सारे संदेश लेके गुरुआ दे असी राष्ट्रीय सिख संगत दे कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता पूरे देश भर विच ऐसी उत्ते समर्पित है, निष्काम भावना ना समर्पित है, अपने अहम नूं छोड़कर मैं दी भावना नूं छोड़कर कलेक्टिव वेल नाल वी बनके हम बनके इस पूरे देश विच और सारे संसार विच इस संदेश नूं ले जाने वचनबद्ध है। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतह।